वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बनाएंगे एक ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर। तो आप देख सकते हो 9 वोल्ट का बैटरी जो है वो मैंने यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद एक ट्रांजिस्टर जो आता है TIP32, ठीक है, TIP32, तो वो हमें यूज़ करना है। नेक्स्ट है, उसके बाद हम लोग मतलब यूज़ करेंगे अलग अलग कंपोनेंट्स। तो ये है आपका TIP32, आप देख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आएगा एक, हम लोग IR सेंसर का यूज़ करेंगे और पूरी सर्किट को चलाने के लिए 9 वोल्ट का बैटरी का भी हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक पाइप भी यूज़ करेंगे क्योंकि सैनिटाइजर जो है उसको हमें बाहर निकालना। तो ये आप देख सकते हो IR रिसीवर मैंने ये यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। एक LED होता है IR और दूसरा होता है फोटोडायोड, ठीक है। IR मीन्स इंफ्रारेड रिसीवर। तो एक ट्रांसमीटर, एक रिसीवर। तो अगर उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वो उसमें से सर्किट जो होती है उसको सिग्नल दे के वो ऑन ऑफ कर सकता है। हम लोग यहाँ पे एंड का यूज़ करेंगे। दूसरा है ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसका हम लोग यूज़ करेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हो ऐसी जार में एक यूज़ करना है जो आपके घर में आपको इजीली मिल जाएगी, ठीक है। प्लास्टिक का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। नेक्स्ट है हमारे पास एक वाटर पंप जो 9 वोल्ट से चलेगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी उसमें वायरिंग कर दी है और बीच में जो ग्लू गन से उसको कवर भी कर दिया है, तो क्योंकि अगर वो वायर सैनिटाइजर के अंदर डूब भी जाए तो प्रॉब्लम ना। अब आप जैसे कि देख सकते हो मैंने यहाँ पे शोल्डर से बीच में एग्जैक्ट जार के जो कैप है जार का उसके अंदर होल कर दिया, क्योंकि उसमें से हम लोग पूरा पाइप और वायर जो है उसको हम लोग निकालेंगे, सेट करेंगे पंप के। और ये पंप आपको इजीली इलेक्ट्रॉनिक जो भी कंपोनेंट स्टोर होता है वहाँ से इजीली मिल जाएगा। आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो होल किया था उसमें से जो पाइप और दूसरी जो हमारी वायर थी पंप की उसको हम लोग निकाल लेंगे ऐसे, आप देख सकते हो। और आपको ये एक सेट करना है कि आपकी जो जार है उसकी हाइट कितनी है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको वायर और पाइप को लेना है। तो ये एक बात खास ध्यान रखें। नेक्स्ट अभी हम लोग उसको जार में से ऐसे मेजर कर लेंगे कि भाई वो जार के नीचे बॉटम तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, ठीक है, वो एक देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब ग्लू गन से आप यहाँ पे इसको हाइट फिक्स कर दे करके आपको यहाँ पे इसको फिक्स कर देना है, ठीक है। फिक्स आप कर दो, उसके बाद जो हमारी जार थी बोतल थी उसके अंदर हम लोग सैनिटाइजर भर देंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो मैंने सैनिटाइजर भर दिया। पंप को हम लोग उसको उसके अंदर उसको डुबा देंगे और जार को ऐसे फिक्स कर देंगे उसका कैप। अब चीज़ जो आती है वो है हमारा मेन कंट्रोलिंग सर्किट IR ट्रांसमीटर रिसीवर से हम लोग पूरा सैनिटाइजर जो है पंप को उसको ऑन ऑफ करेंगे, जिससे कि हमारा जो सैनिटाइजर है वो बाहर आ सके। कुछ हमें प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो पूरा मतलब ऑटोमेटिक एक काम करेगा। तो है ना कमाल का प्रोजेक्ट दोस्तों। तो चलो देखते हैं कि सर्किट कैसे काम करेगा। तो आपको ऐसे TIP32 जो ट्रांजिस्टर लिया था उसको ऐसे हमें सोल्डरिंग कर देना है, ठीक है, तीनों टिप जिसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हो मैं सोल्डर कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो आगे हम लोग उसको कनेक्ट करेंगे हमारे एक रजिस्टर जो हमने लिया था उसके साथ, ठीक है। उसकी वैल्यू और डायग्राम मैं आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के। देखो मैंने रजिस्टर, आप देख सकते हो, यहाँ पे सोल्डर कर दिया। और अच्छे से सोल्डर करना है कि वो एकदम फिक्स हो जाना चाहिए,
ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो रजिस्टर जो है उसके साथ मैंने जो हमारा आईआर रिसीवर है उसका एक टर्मिनल कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, फिर सेकंड टर्मिनल थर्ड टर्मिनल जो है ट्रांजिस्टर का उसको भी आईआर रिसीवर के दूसरे टर्मिनल में हमने कनेक्ट किया और बीच वाला जो बचा है ठीक है उसको हम लोग आगे कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट हो जाने के बाद हम लोग जो ये सब चीज़ें कनेक्ट हो जाने के बाद हम लोग जो तीसरा बचा दूसरा बचा है टर्मिनल और पंप का एक टर्मिनल उसको हम लोग मतलब बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे और बाद में बैटरी जो हमारा है उसको हम लोग लगा देंगे। ठीक है, बैटरी को फिक्स करने के लिए मैंने यहाँ पे डबल टेप का यूज़ किया, आप देख सकते हो उसकी कैप के ऊपर मैं इसे फिक्स कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर बाद में आपको पावर सप्लाई कनेक्ट कर देना है। आप इसको चाहे तो 9 वोल्ट के चार्जर से भी ऑन ऑफ कर सकते हो, मतलब पावर सप्लाई आपको सिर्फ देना पड़ेगा अगर आपको बैटरी यूज नहीं करनी है तो उसको ये सभी चीज़ों को फिक्स कर दो। मैंने यहाँ पे एक जो आइसक्रीम स्टिक आती है उसका यूज़ किया है क्योंकि हमारा जो नोजल है वो हिले डुले ना, इसीलिए। ओके फ्रेंड्स, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आ रहे हो, और ऐसे आपको काफ़ी सारे वीडियो मेरी चैनल पे मिल जाएगी और सभी वीडियो में सच्ची अपलोड कर रहा हूँ। एक वीडियो नहीं होती सिर्फ व्यूज बढ़ाने के लिए, मैं नहीं पोस्ट करता ये सब वीडियो। चलो तो अब लास्ट में टेस्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हो जैसे ही मैंने वहाँ पर हाथ रखा तो सैनिटाइजर बाहर आ गया। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू।